मुजफ्फरनगर नगर पालिका वार्ड 36 से नवनिर्वाचित सदस्य पारुल मित्तर ने सभी क्षेत्रवासियों का आभार व्यक्त किया और कहा कि जो सड़कें टूटी हुई हैं उनको बनवाएंगे और विकास में कोई कमी नहीं आने देंगे। पारुल मित्तर, आपने जिस तरीके यहाँ पर आप सबसे बेसिक तो जो विनर हम रहे एक वोट से रहे, हमारा जो एक कंपटीशन था वो बहुत ही मज़ेदार रहा है और बिल्कुल बराबर की टक्कर के साथ एक वोट से हम इस चीज़ को जीत पाए हैं। अपने उद्देश्य के हासिल करने के एक कदम आगे हम चले हैं। आखिर जिस तरीके से आपके मुद्दे हैं, आप जिस तरीके से यहाँ पर सांसद बनाई गई हैं, एक जिम्मेदारी के साथ में आपको जनमन काम करेंगे, सबसे पहले आपको क्या मुद्दे रहेंगे काम करेंगे? देखिए, हमारा विजन बहुत क्लियर है कि हम सब साथ में लेके चलेंगे और मेरी सबसे ये अपील भी है कि अगर जनता हमारा सहयोग करती है तो हम वो सारे कार्य जो विकास के अभी अधूरे हैं, पहला हमारा कैमरा वार्ड बनाना कि कैमरा पूरा हमारे अपने वार्ड को कैमरे से अपने हम कवर करेंगे। दूसरा स्ट्रीट एनिमल की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि जगह जगह स्ट्रीट एनिमल्स की एक बहुत बड़ा विजन है हमारा कि इसको हमें क्लियर आउट करना है उसका। और भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, पार्क हैं, पानी के हैं, कुछ 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 जगहों पे प्रॉब्लम्स, तो वो सब हमारा एक है विजन कि हमें उसे कंसंट्रेशन में डालना है, उनके साथ काम करना है। पारुल जी, मेरा जो मेन मकसद है वो पूछने का है, जिससे पाँच साल के कार्यकाल पूरा हो गया है जी, बीच में जो पाँच साल के कार्यकाल में क्या काम नहीं हुए यहाँ पर? देखिए, मैं तो ये नहीं कहूँगी कार्य नहीं हुए हैं, आखिर हुए तो क्या हुए? संतोष तो देखिए, हम कहते हैं कि हम दुनिया की नज़रों में नेक नहीं बन सकते क्योंकि सभी के नंबर अलग होते हैं, सभी की नज़रों के नंबर अलग होते हैं। हम ऐसा कह ही नहीं सकते, ट्रिपल इंजन की सरकार में हमारा जो लास्ट सभासद थे वो भी हमारे भाजपा से थे और कार्य खूब हुए हैं, ऐसा नहीं है कि कार्य नहीं हुए हैं। जो जिस तरीके से चली है वो कार्य हुए हैं, जो उनसे अस्थायी रूप से सेवा में नहीं है, जो अस्थायी रूप से रुके हुए हैं उनको आप सबसे जल्द से जल्द चालू कराएंगे? बिल्कुल नहीं, हमारा विजन यही है कि हम उनको भी साथ में हैं, हमारे बड़े भाई विपुल जी और हमारे बड़े भाई विकास जी हमारे साथ हैं, पूरे चुनावी कार्यकाल में हमारे साथ रहे हैं वो, और हमारा ये बिल्कुल परफेक्ट उद्देश्य रहेगा कि हम जो कार्य बीच में अधूरे रह गए हैं उन्हें आगे लेके चलेंगे। सड़कों की व्यवस्था हमारी प्रॉपर रहेगी, थोड़ा सा हमारा वृक्ष का भी रहेगा कि हम अपनी उसमें अपनी जितना भी हमारा एरिया है, हमारा वार्ड एरिया रहेगा, उसमें हम अपना ट्री प्लांटेशन का हमारा एक अलग से एक काम है हमारा कि हम हर घर हर शॉप के आगे जो ये पैनल्स आप बना लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, हमारा मानना ये है कि अगर सब लोग हमें सहयोग करेंगे तो कार्य हमारा बहुत अच्छा रहेगा, ऐसा हम वादा भी कर सकते हैं और ऐसा हम अपना टाइम रखते हैं कि अगर हम सब लोग हमें सपोर्ट ज़रूर करें, ऐसी हम आशा रखते हैं अपने लोगों से। देखिए, हमारा ट्रिपल इंजन की सरकार में हमारा उद्देश्य यही है कि मंत्री जी पालियान जी, माननीय पालियान जी और माननीय कपिल देव जी भी, और हमारा चेयरमैन भी इस बार तो हमारे लिए बहुत अच्छा एक साथ है हमारा कि हमारी चेयरमैन भी भाजपा से ही हैं, ताकि हमारे आगे कार्य हमको चेयरमैन हमारी मीनाक्षी स्वरूप जी बनी है इस बार, और जो कि खुद एक महिला है और महिलाओं की और समाज की प्रॉब्लम्स को वो बहुत अच्छी तरीके से समझती भी हैं। हमारा चुनावी कार्यकाल में जो हम 15-17 दिन हम साथ में रहे हैं, हम एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से समझ भी पाए हैं कि हमें अपने कार्यों को किस तरह से साथ मिलजुल कर आगे लेके जाना है, तो इसके लिए हमें किसी का मुंह भी नहीं देखना पड़ेगा कि भाई हमारे किसी भी कार्य में कोई विघ्न, किसी भी तरह का विघ्न आ रहा है, कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं। हमारा ये रहेगा कि हम अपने विजन्स को बहुत क्लियरली काम कर पाएंगे, हार्डवर्क अपने एफर्ट्स दे पाएंगे उसमें। रोल, मैं अपने वार्ड के सभी मेंबर से, सभी लोगों से हर आपका नाम पारुल मित्तर वार्ड 36 से, मैं अपने सभी वार्ड वासियों से बहुत हाथ जोड़कर एक धन्यवाद कहना चाहती हूँ, सभी महिलाओं से, सभी बहनों से, सभी भाइयों से जिन्होंने मेरे ऊपर इतना भरोसा, इतना विश्वास दिखाया और मुझे इस जगह तक पहुँचाया और मुझे पहल करने की एक आशा दिखाई कि मैं अपने साथ साथ उनके लिए भी विकास कार्य बहुत अच्छी तरीके से कर पाऊँ। जिस तरीके से आपको पार्टी ने विश्वास जताया आपके ऊपर पारुल जी, एक आपको सिंबल मिला है पार्टी का, इस तरीके पार्टी ने आपको विश्वास जताया, क्या पार्टी के लिए आप कुछ कर पाएंगे अच्छे से? मैं ऐसी आशा करती हूँ कि मैं उनके सभी कार्यों को अच्छे से निभा पाऊँगी और
मैं उनको उनसे ये भी कहना चाहती हूँ कि ना पूछ मेरी मंजिल कहाँ तक है, ना पूछ मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है, ना हारूंगी हौसला चाहे कुछ भी हो जाए, ना हारूंगी मैं अपना हौसला चाहे कुछ भी हो जाए, ये मैंने किसी और से नहीं अपने आप से वादा किया है। धन्यवाद।